का कार्य रहा है हमेशा से ही, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए। उसके बाद रामगढ़ में भी कांग्रेस का विधायक चुना गया और देखा गया कि विकास बहुत अवरोध रहा है। और जिस प्रकार से हम जानते हैं कि एनडीए हमेशा ही विकास कार्यों पे कार्य करती है, तो ये कल भी हम लोग सुन रहे थे, ये प्राकृतिक मेल है। और जब प्रकृति से कोई भी नहीं ले सकता, अगर आप समझ रहे हैं समुन्दर आराम से है और समुन्दर में आप कचरा डाले जा रहे हैं, तो सुनामी भी बहुत जल्दी आता है। और ये सुनामी है और सुनामी में बदलाव आएगा। और इस बार एनडीए की प्रत्याशी बहुत बहुत भारी मतों से, विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल के द्वारा अभी जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। वैसे में अभी रामगढ़ में देख सकते हैं आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनके प्रत्याशियों के द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। अभी हमारे सामने महिला नेत्री कृति गौरव जी है। क्या लगता है इस बार का चुनाव में क्या माहौल रहेगा, आजसू क्या रामगढ़ विधानसभा में अपना परचम फिर से लहरा पाएगी? देखिए, जिस प्रकार कांग्रेस का कार्य रहा है हमेशा से ही, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए। उसके बाद रामगढ़ में भी कांग्रेस का विधायक चुना गया और देखा गया कि विकास बहुत अवरोध रहा है। और जिस प्रकार से हम जानते हैं कि एनडीए हमेशा ही विकास कार्यों पे कार्य करती है और विकास का मुद्दा को ही सर्वप्रथम रखती है, जनता सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, ऐसा सोच रखकर काम करती है। तो जनता को इस बार आजसू को जिताना होगा, एनडीए को जिताना होगा और हमारी प्रत्याशी सुनीता चौधरी जी के लिए वोट करना होगा और ज्यादा से ज्यादा मतदान करना होगा, तभी ये सुधार और ये बदलाव आ सकता है। वर्तमान में जो सांसद है चंद्रप्रकाश चौधरी जी और पूर्व में यहाँ पे विधायक रह चुके, साथ ही मंत्री भी रह चुके हैं, तो कोई भी जो सीट है वो इस बार हमारे जो एनडीए की प्रत्याशी सुनीता चौधरी है, क्या लगता है इस बार? देखिए, जब फूल और फल का गठबंधन होता है, तो ये कल भी हम लोग सुन रहे थे, ये प्राकृतिक मेल है। और जब प्रकृति से कोई भी नहीं ले सकता, अगर आप समझ रहे हैं समुन्दर आराम से है और समुन्दर में आप कचरा डाले जा रहे हैं, तो सुनामी भी बहुत जल्दी आता है। और ये सुनामी है और सुनामी में बदलाव आएगा। और इस बार एनडीए की प्रत्याशी बहुत बहुत भारी मतों से विजयी होंगी। देख रहे होंगे कि जब एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय सुनीता चौधरी जी जब वार्ड नंबर 4 में प्रवेश किए हैं, आम जनताओं में क्या जोश है, कितने जज्बात के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं, ये देखने से प्रतीत हो रहा है मानो कि पूरा रामगढ़ विधानसभा बदलाव के मूड में है। और ये निकम भी हेमंत सरकार का यहाँ से ताबूत का अंतिम कील ठोकने के लिए रामगढ़ विधानसभा के लोग, आम जनता तैयार है। रूप से इस बार हर रिकॉर्ड टूटेगा, जनता में जो उत्साह है, जनता में जो आक्रोश देखा जा रहा है सरकार के खिलाफ में, वो आक्रोश आपको दिख रहा है। और आदरणीय एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय सुनीता चौधरी जी का स्वागत में जिस प्रकार से ग्राम आम आवाम लोगों ने शिरकत किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, साथ ही साथ पूरे रामगढ़ विधानसभा के आम आवाम में उत्साह का माहौल है। वर्तमान यूपीए सरकार हर मोर्चे पर फेल दिखाई दे रही है, कैसे ग्रामीणों के समझ रहे? निश्चित रूप से ग्रामीणों के बीच में हम लोग उस बात को ले जा रहे हैं कि आखिर कहाँ गया 5 लाख नौकरी, कहाँ गया स्थानीय नीति, कहाँ गया नियोजन नीति। आज युवाओं के द्वारा जिस प्रकार से मंत्रियों को खदेड़ा जा रहा है, अनुमंडल कार्यालय में आपने देखा है कि किस प्रकार से सरकार के खिलाफ में युवाओं के बीच में जो आक्रोश है वो देखा जा रहा है। विपक्ष लगातार बोल रहा है कि इस बार हमारी ही जीत होगी, यूपीए की जीत होगी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष का जो 3 साल का कार्यकाल रहा, रामगढ़ की जनता भली भांति जानती है और जितना ठगने का काम किया है, विकास के नाम पे 1% भी कुछ काम नहीं हुआ है, उनका बोलने का काम है। मगर हम लोग अपना पार्टी और एनडीए गठबंधन से दावा करते हैं कि हमारे प्रत्याशी निश्चित रूप से जीत हासिल करेगी और भारी मतों से विजय होंगी। क्या कहेंगे? ये भी जो कह रहे हैं वो सही है, खड़े उम्मीदवार के साथ हम लोग को जीतने का पूरा भरोसा मान है और जनता भी ये भी कर रही है, इस साल आंसू के समर्थन में है, हित में है। चुनाव से क्या अपने अपने जो हस्बैंड हैं उनके, माने श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी जो वर्तमान में अभी सांसद हैं, तो उनका रिकॉर्ड सुनीता चौधरी तोड़ पाएंगे इस बार? यस, इससे भी ज्यादा डेवलप करने का चांस पूरा 100% है और उम्मीद लगता है कि उसका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। कितना वोट अनुमान लगा रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ने की जो आप बात कर रहे हैं? तो 1.5 लाख प्लस। कितना? 1.5 लाख प्लस वोट हम लोग को आने जा रहा है। ठीक है, पिछले बार
लोगों को परिवर्तन का माहौल था, लोग परिवर्तन करके भी देख लिए, तीन साल पब्लिक झेल भी लिए, तीन साल में क्या हुआ नहीं हुआ, इस बार उसका जवाब पब्लिक देगी, रामगढ़ की जनता देगी, रामगढ़ विधानसभा की जनता देगी, और हम लोग निश्चित रूप से बहुत बहुमत से ही जीत हासिल करेंगे।